वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनसी के बाद पीरियड्स कब आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, डीएनसी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चेदानी की जो अंदर वाली परत होती है उसको हम लोग खुरचते हैं, छीलते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो परत हम लोगों ने निकाली है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम परत, ठीक है। तो होता ये है कि जब किसी महिला को पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू होती है तो ये जो एंडोमेट्रियम परत थी ये टूटती है और महिला के शरीर से बाहर निकलती है ब्लीडिंग के रूप में। इसी ब्लीडिंग को बोलते हैं कि भाई आपको पीरियड्स आ गए, मतलब कि पीरियड्स की ब्लीडिंग बोलते हैं। तो डीएनसी हम लोगों ने क्या किया, जो एंडोमेट्रियम परत थी, ये जो परत थी इसको हम लोगों ने ऑलरेडी खुरच दिया और शरीर से बाहर निकाल दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई डीएनसी के बाद आपको पीरियड्स कब आएंगे। तो पीरियड्स के लिए क्या होना ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम परत का बनना ज़रूरी है। इस परत को वापस से बनने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग जाता है। तो मोटा मोटा ये हिसाब किताब रहता है कि डीएनसी के बाद आपको जो पीरियड्स हैं वो 14 दिन के अराउंड आते हैं और मैक्सिमम आपको 35 दिन तक आ जाने चाहिए। अगर किसी भी महिला को डीएनसी के बाद 14 दिन से पहले ब्लीडिंग हो रही है तो वो पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं होती है, वो कोई अलग टाइप की ब्लीडिंग है जिसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से ना हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपको पेट में सूजन हो या इन्फेक्शन हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको जो पीरियड्स हैं वो 35 दिनों तक नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो बच्चेदानी की सफाई है वो प्रॉपरली ना हुई हो और जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो यूट्रस के अंदर ही हों, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स ना आ रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़े जो कि आपको पीरियड्स को वापस लाने में सहायक होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।